नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। हम अहाँ बच्चे से सुनैत आयल छी आ पढ़ैत आयल छी जे स्वास्थ्य जीवन के सबसे बड़का धन होइ छै, हेल्थ इज वेल्थ। आ एहि के लेल हम अहाँ के घरे से सिखायल जाइ छै जे स्वास्थ्य के ख्याल राखी, की करी की नहि करी। स्वास्थ्य से जुड़ल आरो संवेदनशीलता तऽ ई पछिला लगभग 1.5 साल के कोरोना वैश्विक महामारी से हो हमरा अहाँ के बता देलकै जे स्वास्थ्य कतेक जरूरी विषय छै। स्वास्थ्य से जुड़ल चीज आ जीवने से जुड़ल चीज के कारण हम अहाँ आई कोरोना सन महामारी के सामना कर रहल छी। एहि के अलावा भी कोरोना तो एकटा प्रसंग मात्र हम मानलो, स्वास्थ्य से जुड़ल विभिन्न हमरा अहाँ के समस्या सब देखा पड़े छै। शरीर छै तो बीमारी सब सेहो एबे करै छै, ताहि के साथ साथ ही ओ बीमारी दूर करय के लेल उपाय सब सेहो मानव सभ्यता जहिया से छै तहिए से शुरू होइत आयल यऽ। पछिला लगभग 150 से 200 साल में आधुनिक मेडिकल साइंस जे छै अपना आपके बहुत विकसित करैत जा रहल छै। आ लगभग लगभग हम अहाँ बराबर सुनैत रहै छी जे आइ ई उपलब्धि भेलै, काल्हि ओ उपलब्धि भेलै, ई आविष्कार कयल गेलै, प्रविधि युक्त इलाज सब भऽ रहल छै। तऽ इएह सब विषय पर केन्द्रित भऽ कऽ हम अहाँ आइ संवाद करबै। हमरा सबके साथ में छथि डॉक्टर वीरेन्द्र भगत। ई आई जे संवाद हम सब करय जा रहल छी ओहि के लेल हिनका आमंत्रित कयल गेल यऽ। खास तौर पर जे छै लैप्रोस्कोपी एकटा इलाज के प्रविधि छै जाहिमे दूरबीन के मार्फत सँ विभिन्न बीमारी सबके, विभिन्न रोग सबके इलाज कयल जाइ छै। इएह सँ जुड़ल बातचीत आई डॉक्टर वीरेन्द्र भगत संगे हम सब करय जा रहल छी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत अछि अहाँके। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक वृन्द के, नमस्कार। सबसे पहले तो ई लैप्रोस्कोपी हम कह रहल छी ने, आ दूरबीन से इलाज हम बस अपन व्यूअर के बता दिए, लेकिन अहाँ एहि के बारे में बतबियो जे लैप्रोस्कोपी आखिर में खास में की छै आ आम जनमानस एकरा बुझते कि कोन इलाज के प्रविधि छै, कैला यूज करै छी हम अहाँ। जी, लैप्रोस्कोपी के मतलब भेलै कि लैप्रोस्कोप कैमरा लगा के करे वाला शल्यक्रिया छै। जे लैप्रोस्कोपी मतलब पेट में छोटका छोटका 2-3 टा पाल बना के छेद करके एकटा पाल जाहिमे कैमरा घुसा के और ओहिमे पेट में की छै से टीवी में देख के, टेलीविजन में देख के, ओकर साथ साथ 2-3 टा और छोटका छोटका छेद पेट में बना के ओहिमे दोसर औजार सब घुसा के पेट में जे रोग छै या जे ऑपरेशन करे के छै से प्रक्रिया के अपना सब लैप्रोस्कोपी कहै छै। तऽ ई जे कैमरा आ ई सब के प्रयोग जे अहाँ कहि रहल छी पाल के नाइ, ई खाली पेटे से जुड़ल छै या ई उपचार प्रविधि आरो आरो चीज में सेहो प्रयोग होइ छै? एना छै, ई तऽ कैमरा से बहुत बहुत सारा ऑपरेशन कर सकै छै। तऽ लैप्रोस्कोपी जे छै से पेट के लागी कर रहल छै तऽ ओकरा हम सब लैप्रोस्कोपी कहै छियै। उहे कैमरा जोड़ के दूरबीन से अगर हम सब हड्डी में देखै छियै तऽ ओकरा आर्थ्रोस्कोपी कहि दै छियै। उहे चीज अगर हम सब देख रहल छियै पेशाब थैली में देख रहल छियै तऽ ओकरा सिस्टोस्कोपी कहि दै छियै। उहे चीज हम सब कर रहल छियै जे पाठागार के भीतर देख रहल छियै तऽ ओकरा हिस्टोस्कोपी कहि दै छियै। तऽ सब एकटा टर्म छै, डिफरेंट टर्म छै, लेकिन सब में अपना सब की कर रहल छै दूरबीने के माध्यम से ऑपरेशन कर रहल छै, अंदर देख रहल छै। तो और जे लैप्रोस्कोपी भेलै से पेट के लागी मात्र भेलै, जे पेट में और कतौ भी रोग छै पेट में जेना। अच्छा, तो मतलब एकरा एना बुझल जाय जे कैमरा आर मशीन सब सब प्रयोग क के जे शरीर के विभिन्न भूर बनाए के हजुर इलाज जे करै छी तो ओकर अलग अलग नाम आहा बतै छी। हजुर, आ ई लैप्रोस्कोपी जे प्रक्रिया छै खास तौर पर पेट से जुड़ल एहि मे कोन कोन रोग सब आबि जाय छै जे इलाज करै छै लैप्रोस्कोपी से? लैप्रोस्कोपी मतलब पेट में भूर बना के करे वाला, दूरबीन के सहायता से टीवी में देख के करे वाला ऑपरेशन छै। एहिमे से अपना सब यूजुअली जे आजकल हो रहल छै ओना तो पेट के सब अंग के लागी कयल जा सकै छै, लेकिन जे सब जनमानस सब सुनल सब छै से भेलै लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी, मतलब दूरबीन से पित्त थैली के ऑपरेशन। तऽ ई सब तर हो रहल छै, सब कुछ सुनले छथिन आजकल। ओकर बाद और लैप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी भेलै जे अपेंडिक्स के ऑपरेशन करे के छै तऽ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन के माध्यम से सेहो कयल जा सकै छै। ओकर बाद कोनो भी पेट में और जेना पेट में आंद्रा सब छै, आंद्रा के ककरो जे फूटि गेलै ओकरा जोड़े के छै ओ काम सब कयल जा सकै छै। या लैप्रोस्कोपी से अहाँ बच्चादानी छै, बच्चादानी निकाले के छै, सिस्ट निकाले के छै, जते भी अंग छै आजकल तऽ लैप्रोस्कोपिक से सब कुछ कयल जा सकै छै। लैप्रोस्कोपी से किडनियो निकालल जा सकै छै, लैप्रोस्कोपिक से अंदर के ककरो चोट उट लागल छै, भीतर खून बह रहल छै तऽ ओकरो जोड़ि सकै छै, आंद्रा फूटल छै तऽ ओकरो अपना सब लैप्रोस्कोपी के मार्फत से कर सकै छै। तऽ अभी तऽ सभ्य जते अंग छै पेट में सब चीज वही छै, लीवर छै, स्प्लीन छै, अथी आंद्रा भूरी इंटेस्टाइन छै, किडनी छै, महिला सब में अहाँके
पाठेगर भेलै, अंडाशय भेलै, ई सबके रोग, चाहे कोनो भी रोग हो, कैंसर लगायत के और जते रोग छै, मैक्सिमम रोग के दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन कर जा सकै छै। तो डॉक्टर के एक्सपर्टीज पर भर पड़ै छै कि डॉक्टर कोन लेवल तक के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकै छथिन। लेकिन जे अपना सब यूजुअली जे सुनै छै पेट के, से अपना सब कॉमनली जे सुनै छै, सब तर सुन रहल छै, से सब एकटा पित्त थैली के ऑपरेशन भेलै, दोसर अपेंडिक्स के भेलै, और अभी और कॉमन जैसे लैप्रोस्कोपी से हो रहा है, जैसे महिला संबंधी जो पाठेघर में कोनो रोग छै और सिस्ट सब छै, तो ई चीज सब के ई बेसिक ऑपरेशन सब तर लैप्रोस्कोपी के लिए। जे अपने कहलिए कैमरा प्रयोग करी, दूरबीन प्रयोग करी आ छेद क के इलाज भ जेतै विभिन्न रोग सब के बारे में अहाँ बतेलिए, एहिमे स्वाभाविक प्रश्न ई एतै, एखन तक हम अहाँ की देखे के लिए या जे हमर अहाँ के मेडिकल साइंस या समाज में खास तौर पर जे इलाज जे करब गेल कोनो शरीर के भीतरी हिस्सा में, तो ऑपरेशन जो यदि सुनै छै तऽ ओकरा सबके पता चलल या उपचार जे सुनलक तऽ ओ चीर फाड़ केनाइ, बेसी खून बहनाइ ने, तो ओतेक सहज प्रक्रिया नहि होइ छै, तऽ शायद स्वाभाविक जिज्ञासा ई एतै जे ई जे आप उपचार के प्रविधि अहाँ कहलिए लैप्रोस्कोपी, ई सबसे पहिले भरोसामंद कते छै आ सहज कते छै, हमरा अहाँके अगले बगल में भ जेतै कि इहो के लेल काठमांडू जाय पड़तै, दिल्ली जाय पड़तै, ई जे अभी लैप्रोस्कोपी छै से तऽ खुला ऑपरेशन से ऑफकोर्स बढ़िया चीज छै, कियाकि एकर फायदा सब बहुते छै, कियाकि अपना सब जे खुला ऑपरेशन कर रहल छै जाहिमे बहुते बड़का चीरा लगाबे पड़ै छै, जेना कहली कि खून ज्यादा जाइके डर छै या ओ घाव बड़का होतै तऽ आदमी सब डेरा जाइ छै, तऽ से सब दूरबीन वाला ऑपरेशन नहि भेलै, कियाकि दूरबीनमे तऽ चीरा लगलै लेकिन चीरा बस एक सेंटीमीटर के एकटा बड़का चीरा रहै छै, ओकर बाद दूटा 0.5 सेंटीमीटर मतलब 5 mm के जे छोट छोट भेलै, दू तीन टा ओहन चीरा रहै छै, तऽ ओ जब ये चीरा छोट लगलै तऽ ओहिसँ फायदा के भेलै कि ओकर घाव सब छोट छै, घाव छोट भेलाके बाद ओहिमे इन्फेक्शन होइके चांसो बहुत कम छै, या इन्फेक्शन एकदम न्यूनतम छै, एकदम कम छै, तऽ ओहिके वजहसँ पेशेंटके एक दिनसँ लेके दू दिनमे डिस्चार्ज करि सकै छै, कोनो भी ऑपरेशन केलाके बाद एक दू दिनमे डिस्चार्ज करि सकै छै, एकर पहिने फायदाके बारेमे हम कहि दै चाहै छी, एकटा तऽ ओ फायदा भेलै। दोसर की छै कि जेना कहलि खून बहुते बहतै, सेहिमे बहतै नहि, कियाकि चीरा बाहरसँ तऽ बहुत कम लागल छै, तऽ बाहरके लॉस कम भेलै रगतके, लेकिन अन्दर अगर जोन प्रकारके रोग छै ओहि हिसाबसँ तऽ खून बहगैवला, तऽ कियाकि ओ तऽ बाहरके छेद मात्र छोट भेलै, भीतरके ऑपरेशन तऽ सेम छै, तऽ ओ भीतरके जे खून बहतै से तऽ बहबे करतै, लेकिन कम्पेरिजन अगर ओहिसँ कर रहल छै खुला ऑपरेशन छै तऽ एहिमे खूनो कम भेलै। आओर तेसर भरोसामंद जे अहाँ कहली कि भरोसामंदी केना ओहिसँ बढ़िआँ या केना भेलै, कि दूटा फैक्टर तऽ भइए गेलै कि एकटा खून कम जा रहल छै, एकटा हॉस्पिटलमे कम रहै पड़ै छै, तेसर बात फायदा ई छै कि पेशेंट बिरामीके बड़कोसँ बड़का ऑपरेशन एक दिनमे केलाके बाद ओ घर जा रहल छै, ओकरा तऽ महसूसे नहि भेलै कि हमरा कोनो ऑपरेशन भेल छै, आइ आयल छै ओकर ऑपरेशन कयली, बिहान घर जा रहल छै, चारि पाँच दिनके बाद, तीन चारि दिनके बाद पेशेंट अपन नियमित काम सब करि सकै छै, ठीक छै। आओर चौथा जे छै भरोसाके बात कयली, तऽ अभी एना छै कि संसारमे सबतर अभी खुला ऑपरेशन सब कम होते जा रहल छै, आओर सब दूरबीनके माध्यमसँ हो रहल छै, दूरबीनमे की होइ छै, जे अपना सब देख रहल छै अन्दर, से चीज की छै, जे कैमरा अन्दर घुसा रहल छै से कैमरा छोट छै, लेकिन जे फील्ड ऑफ विजन होइ छै, जे अपना सब देख रहल छै ऑपरेशनके अन्दरके एरिया जे देख रहल छै, से टीवीपर देखै छै तऽ पूरा पेटे देखा रहल छै, तऽ ओहिसँ फायदा ई हो रहल छै कि अहाँ जे ऑपरेशन कर रहल छै तऽ चारू कातके चीज देख देखके कतऽ की छै कतऽ की नहि छै सब चीज करके, तऽ इंजुरी दोसर दोसर जगह चोट लागैके चांसेस कम छै, जतेक चीज मात्र काटैके छोटे मात्र काट रहल छै, तऽ ई एहि सबसँ की हो रहल छै कि डॉक्टरोके सब चीज करैमे आसान हो रहल छै, लेकिन ओहिके लागि ट्रेनिंग ऑफकोर्स बढ़िआँ ट्रेनिंग चाही, आओर प्रिसाइज छै कि हमरा की करैके छै कतेक मात्र करैके छै, लेकिन अगर हम कोनो पेट चीरके कर रहल छी तऽ जतऽ जतऽ हम चीर रहल छी से मात्र देख रहल छै, आओर चारू कातके की छै से सब देख नहि रहल छै। तऽ एहिमे आब अपने फायदा तऽ गिना देलियै रगतके, ताहिके बाद हॉस्पिटलमे रहके दिन, नियमित काज करऽके दिन, लेकिन अन्तमे लोक ई चाहतै जे अहियोसँ हमरा वएह फायदा होइ जे पहिलेके ऑपरेशनसँ होइ, मतलब आउटपुट सही आबऽ पड़लै, ई उपचारके प्रविधिके आउटपुट जे कहलियै रोग ठीक करऽके रिजल्ट जे छै ओ जी बहुत कोइ इहे सोचै छै, कियाकि दूरबीनसँ ऑपरेशन कर रहल छै तऽ लोकके लागल कि दूरबीनसँ कर रहल छै, भीतर तऽ बहुत बड़का बीमारी छै, तऽ ओ खुल्लासँ सब निकलि जायत हमर, दूरबीनसँ निकलत कि नहि निकलत, तऽ फेर ई समस्या सबके स्वाभाविक छै, सबके मनमे अबै छै, तऽ एहिमे की कहऽ चाहै छै हम, जे ओ बाहरके पेट मात्रे ओ घावके फर्क छै, बड़का या छोटका घावके फर्क छै, अन्दरके जे रोग छै से तऽ पूरा रोग दूरबीनोसँ निकलै छै,
ओहि आब जेना बड़का अंदर कोनो मांस पलायल छै तो छोटका दूरबीन से नहीं निकाल के ओकरा छोटका छोटका टुकड़ा टुकड़ा करके काट के फिर ओकरा निकल देल छै। तो ओ रोग के उपचार दुनू अंदर एकेटा भेलै, बस बाहर से मात्र फर्क छै कि छोट चीरा से हो रहल छै, ओ बड़का चीरा से हो रहल छै। तो लाई में डराय के कोनो बात नहीं छै कि छोटका चीरा से होते कि नहीं होते, ये पूरा निकलते कि नहीं निकलते, से सोची के नहीं छै। ओ जे रोग रहै छै से पूरा निकली छै और ओकरा काटि काटि के निकालल जा सकै छै। आई में आप जो यदि महिला सबसे जुड़ल समस्या अहाँ बतेलिए पाठेघर से जुड़ल, आई सब के केना क के उपचार करै छी अहाँ सब, जे महिला सबके बहुत समस्या सबसे हो रहै छै, या कतय इलाज कराउ ने, कोन जगह जाब त की हैत, उपचार के प्रविधि जेना अहाँ कहि रहल छी ओहो सब बदलि रहल छै, इहो लैप्रोस्कोपी एकटा नया प्रविधि भेलै, तऽ ई सब के बारे में जानकारी सबके तऽ हेतै नहि, अहाँ केना बता सकै छी सबसे पहिले रोग के उपचार केना कराबी, उपचार विधि केना बुझी, चिकित्सक मान लिय कते जगह इहो उपराग अबै छै सुनऽ में जे बेसी पैसा के चक्कर में किछु भऽ गेल या ओ भरोसा टूटक के काज एक दू जगह से भऽ जाइ छै तऽ ओहो के फैल जाइ छै ओ बात सब, तऽ एहि सब के लेल की अहाँ सलाह देब बताबू। हम तऽ महिला संबंधी जे रोग छै तकरे विशेषज्ञ छी, ओकर लैप्रोस्कोपिक सर्जन, लैप्रोस्कोपी से महिला संबंधी जे रोग सब छै तकर उपचार करै छी। एहिमे हम की कहे चाहबै कि महिला संबंधी जे रोग सब छै से एक तऽ ई बुझनाइ जरूरी छै कि कोन कोन रोग के अपना सब दूरबीन से उपचार कर सकै छी महिला सबके संबंधी। महिलामे जे रोग सब होइ छै जे अपना सब ब्रॉडली देखबै तऽ एकटा पाठेघर के रोग होइए, तऽ पाठेघर मे या तऽ मासुपलासी छै या कैंसर हो सकै छै, और जकरा ओसब फाइब्रॉइड कहै छै पाठेघर मे जे बेनाइन मासु पैदा होइ छै जे कैंसर नहि रहै छै, या दोसर कैंसर हो सकै छै, ओना तऽ एक सिस्ट रहै छै, सिस्ट मे अहाँके सिस्ट बनि सकै छै अहाँके अंडासँ जे ओवरी होइ छै ओहिमे सिस्ट बनि सकै छै या कैंसर पला सकै छै, या कहियो काल पाठेघर से बहुते रगड़ जा रहल छै, इन्फेक्शन हो जाइ छै बहुते ओहिके, तो ओहिमे निकालैके जरूरी पड़ि सकै छै, या कहियो काल अपना सबके एकर यूज कऽ रहल छै कतऽ कतऽ दूरबीन से महिला संबंधी रोग सबमे यूज कयल जा सकै छै। और दोसर अपना सब सुनित होबै कि ओकर बच्चा तऽ ट्यूब मे बैठ गेल छलैए तऽ ट्यूब फूटि गेल, तऽ ओहन केसमे जकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी छै या बच्चा ट्यूब मे बैठल छै तऽ ओकरा अहाँके पूरा पेट चीरे के जरूरी नहि छै, ओहिमे तऽ दुइये तीनटा छेद छोटका छोटका छेद से अहाँ ओकरा निकालि सकै छी। तऽ ई जे ई सब ई कॉमन रोग सब भेलै, या जकरा निसंतान सब छै, जकरा कैला निसंतान हो रहल छै ओकरा देखे के छै, तऽ ओहिमे लैप्रोस्कोपी के माध्यम से ओहिमे अंदर जाके देख सकै छै ओकर पाठेघर अंडा ट्यूब सब सब ठीक छै कि नहि, कैला बच्चा नहि हो रहल छै, तऽ ई निसंतानो के लागि उपयोग भए गेलै, या कोनो महिला के समस्या हो रहल छै पाठेघर के कोनो समस्या सब छै ओहूमे भए गेलै, ट्यूमर सब हो रहल छै तऽ ओहूमे एकरा यूज कयल जा सकै छै। तऽ एकर यूज तऽ ऑलमोस्ट जते भी रोग छै महिला संबंधी ओ सभे रोग मे एकर यूज हो सकै छै। तऽ एहिमे महिला मे कथी कथी के ऑपरेशन हो जा सकै छै लैप्रोस्कोपी से, तऽ एकटा तऽ पाठेघर निकालै के ऑपरेशन हो सकै छै जकरा अपन हमसब कहै छियै लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी। ओहिमे की हम समझाबे चाहै छी सबे दर्शक बिंद के, सबको सोचलक कि पाठेघर तऽ बहुत बड़का चीज छै, केना निकलतै दूरबीन से एते छोट चीज छै, तऽ ओ सब के केओ गाँव घर मे कहि देलक कि तऽ निकल ही नहीं सकै छै, तोरा डॉक्टर तऽ अहाँके झूठ बोल रहल रहै, तऽ खुला करा लो पूरे निकल जाय। तऽ ओहिमे की छै कि पाठेघर बड़का छै, लेकिन हमसब जेना पाठेघर कटी छियै, पाठेघर कटला के बाद ओ अगर छोटे पाठेघर छै ठीक ठीके साइज के छै, नॉर्मल साइज से हल्का मात्र बड़का छै, तऽ ओकरा हमसब नीचे मे निकालि दै छियै, ठीक छै, नीचे मे खींच के जेना बच्चा निकलै छै डिलीवरी होइ छै तेना एक निकालि दै छै, लेकिन अगर ओ पाठेघर बड़का छै मासु पलायल छै तऽ ओहन केस मे की कयल जाइ छै कि मोर्सिलेटर कहिके एकटा यंत्र अबै छै, इंस्ट्रूमेंट अबै छै, तऽ ओहि इंस्ट्रूमेंट से ओकरा छोटका 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 काटि के ओ छोटके भूर मे, ओहिमे टाइम लगै छै, आधा घंटा लागि गेल, 45 मिनट लागि गेल ओ पाठेघर के काठी मे, ऑपरेशन 45 मिनट खत्म भऽ गेल, ओकरा छोट छोट करते करते 45 मिनट लागि जाइ छै, तऽ ओ कऽ के निकालि ली ऊपरे छोटके भूर मे निकलि जाइ छै। तऽ एना नहि छै कि दूरबीन से कोनो ऑपरेशन नहि कयल जा सकै छै, से नहि छै, सभे ऑलमोस्ट सभे रोग जे छै महिला संबंधी जते भी रोग छै सबके दूरबीन से कयल जा सकै छै। तऽ ओहिमे ढुक्के होइ पड़लै पहिने, आसपास के बात सब कम सुने पड़लै, डॉक्टर के बात ज्यादा सुने पड़लै, और ई अभी नया प्रविधि छै, बहुत ओहिके पते नहि छै बारेमे कि लैप्रोस्कोपी से ई चीज सब हो सकै छै, तेला अहाँ कतौ से अगर इन्फॉर्मेशन ले रहल छी तऽ हो सकै छै अहाँके सही इन्फॉर्मेशन नहियो मिल सकै छै। और दोसर बात कॉस्ट फैक्टर से कहली कि अहाँ किनका केना कहबै कि ज्यादा पैसा लग रहल छै कम पैसा लग रहल छै, तऽ फेर कराइत कि नहि कराइत से बात छै। तऽ ओवरऑल देखबै तऽ एना कहैमे बुझाइ छै कि पैसा ज्यादा लग रहल छै, जेना दोसर ऑपरेशन के जते लग रहल छै तऽ ओहिमे तऽ अहाँके 7 दिन हॉस्पिटल बैठे पड़ी, 10 दिन हॉस्पिटल बैसे पड़ी, ओहि फिर अहाँ खाउ 7 दिन दवाई चलाउ,
सब काम छोड़ के अस्पताल में बैसू, ओकर साथ साथ दू गो और आदमी बैसू, तो ओकर उ सब जोड़बे और एकर चार्ज जोड़बे, लैप्रोस्कोपी के चार्ज जोड़बे, 10,000-5,000 ज़्यादा होते खाली प्रोसीजर के चार्ज में, ऑपरेशन करके चार्ज में, लेकिन टोटल चार्ज जोड़बे तो अहाँ के सस्ता लैप्रोस्कोपी पड़ गए। लैप्रोस्कोपी में दू दिन से ज़्यादा बैठे के नहीं है अस्पताल में, अहाँ के घर के ककरो काम ककरो छूट नहीं रहा है, अहाँ के रिलेटिव के काम छूट नहीं रहा है, 5 दिन के बाद अहाँ जाके घर के फिर ऑफिस जा सके छी, काम कर सके छी, तो सब चीज़ ओवरऑल देखबे तो फायदा तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी में है। दूरबीन सर्जरी तो अब बहुत पुराना हो गए, एकर इतिहास अहाँ देखिए तो लगभग 40 साल हो गए दूरबीन सर्जरी शुरू भेला, और नेपाल में अला लगभग जब महिला संबंधी में कहली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी 10 से 15 साल भेल छै नेपाल में शुरू भेला, तो अब भी देखबे तो प्रदेश 2 के बाहर ऑलमोस्ट 70 लैप्रोस्कोपी से बहुते सर्जरी लैप्रोस्कोपी से होइ छै, पाठ्यगत संबंधी तो मैक्सिमम सर्जरी सब अभी लैप्रोस्कोपी से हो रहल छै। प्रदेशों 2 में अभी देखबे तो बीरगंज में शुरू होल छै, बीरगंजों में हमसब 2 साल पहले हमरे टीम सब सबसे पहले बार पाठेघर के सफल चलने क्रिया थे कि हमसे पाठेघर निकाल ले चले 2 साल पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज में, और अहुआ हमसब एक डेढ़ महीना पहले पाठेघर के सफल चलने क्रिया करके अभी तक 10-12 गो केस हम सब जनकपुर में 10-12 गो पाठेघर के चलने क्रिया करके अभी तक सफल चलने क्रिया करके सब पेशेंट एकदम सब कुशल मंगल होकर अभी घर में छे, तो अहू हम सब अभी शुरू कैले छी, हमर सबके टीम शुरू कैले छी। एहिमे एकटा प्रसंग हम आरो जोड़ चाहब, जे जनक प्रविधि कहि रहल छी जे ओना तऽ खास तौर पर नया प्रविधि छै, तऽ सामान्यतः लोक इएह सोचतै जे जनकपुरमे एकर इलाज भऽ जेतै, ओना अहाँ बतेलियै जे भऽ चुकल छै, लेकिन तैयो भी यद्यपि जे मानि लिअ नहि देख रहल छै टीवी, चाहे किनको पता चलतै एना जे नहीं आबी तो हमरो अहाँ के जगह पर भ जाए छै, तो ओ तो सोचथिन जे नहि जनकपुर में केना हेतै, नहि हमरा धरान जाय पड़त, काठमांडू जाय पड़त, यानी तो पटना जाय पड़त, दिल्ली जाय पड़त, तो जनकपुर में ई संभव छै या नीक जगह हेतै, एहि के लेल अहाँ केना भरोसा दिएबे? जनकपुर में ई संभव छै, जनकपुर में तऽ लैप्रोस्कोपिक जे पित्त थैली के ऑपरेशन से तो 1.5-2 साल पहिने से होइए रहल छै, ओहिसे पहिनहु से हो सकै छै हो रहल छै, लेकिन जे महिला संबंधी छै जे हमसब अभी जे शुरू कैले छै टीम जे शुरू कैले छै अभी 2 महीना जते भेल छै या शुरू कैला, तऽ अइ लैप्रोस्कोपी के लागि जे सामान चाही से अस्पताल सबमे जे छै तऽ ओहिके वजह से सामान चाही और एक्सपर्ट चाही, मतलब जे करै वाला डॉक्टर चाही, तऽ अगर 2 टा छै तऽ अपने सब तरह ऑपरेशन उहे तरीका छै, उहे करै वाला सिस्टम छै, तऽ अइ जनकपुर में पॉसिबल छै और हमसब करितो आ रहल छी, तऽ अइमे हम इहे कहे चाहब कि अइ के लागि आब अइ महिला संबंधी के जो कोनो भी ऑपरेशन दूरबीन से कराबे के छै ओहिके लागि बाहर जनाइ जरूरी नहि छै, अभी ये हमसब शुरू कैले छी, लेकिन 2 साल पहिने से हमसब बीरगंज में करै छली, तऽ एहिमे धुक्कर रहला से होते कि आब महिला संबंधी कोनो भी रोग छै तकर पाठेघर से जनकपुरे में सुकुशल एकदम सक्सेसफुली जनकपुरे में करायल जा सकै छै, बाहर जाके अन्य कॉस्ट से हो बचतै जी, और बाहर के छै कि अभी जनकपुर में प्रारंभिक स्टेज छै तऽ अभी सस्ता में हो रहल छै, उहे ऑपरेशन बाहर जब काठमांडू जबे तऽ अहाँके 1.5-1.5 लाख लागत ऑपरेशन चार्ज मात्र, तऽ जनकपुर में लगभग 50,000 में सब चीज हो जा रहल छै, तऽ एहि के लागि बाहर जाना जरूरी नहीं छै। ई सब चीज तऽ तखन हेतै जखन आम जनमानस के जानकारी पहुँचतै, हमरा अहाँके समाज में ग्रामीण भेद होय या शहरीय क्षेत्र में खास तौर पर एकटा इहो देखै छी व्यवहार जे स्वास्थ्य के कनी मनी बीमारी भेल हमरा अहाँके तऽ हम इग्नोर केलहुँ, छोड़ि देलहुँ, या फिर कोनो तेहन बीमारी भेल तऽ कनिक नजरअंदाज केलहुँ, दवाइ दोकान से जाकर दवाई फेंक लेलहुँ, अंतिम स्टेज पर अयला पर मात्रे हम अहाँ अस्पताल दौड़ै छी, तऽ ओ अंतिम स्टेज नहि आबे ओहिके लेल की कऽ सकै छी, हम अहाँ कतऽ सजग भऽ सकै छी जे नहि आब मानि लिअ जँ यदि हमरा बीमारी भेलैए तऽ एहि स्टेज पर आबिकऽ आब इग्नोर नहि कऽ सकै छी, हमरा चिकित्सक लग जाय पड़तै, कि शुरूएमे जेनाइ आवश्यक छै, फेर ओहियोमे कॉस्ट फैक्टर आबि जाइ छै, शुरूएमे जाउ अथी पैसा लागत लागत खर्चा भऽ जायत ओहिना ठीक भऽ जेतै, ई सब चीज बुझनाइ कखन जरूरी छै, ओ लाइन कतऽ छै? ई लाइन एकदम एहिमे एकदम क्लियर डिमार्केशन छै लाइनमे, लेकिन ई बहुते कोइ नहि समझ सकै छै, कियाकि महिला दोसर नहि हम महिलाके रोगके बारेमे बात करब, अगर महिला आओर प्रसूति दुनू चीजके बात करल जाइ छै, अगर दुनूमे रोग कोनो देखा पड़ि रहल छै, जेना महिलामे की रोग सब हो सकै छै, महिलाके लक्षण सब की भेल, एक तऽ गन्दा पानी चमाइ गेल, ओकरा रगत बहुते गेल, या गन्दा पानीसँ रगत मिक्स होके आयल, या पेट नीचाके पेट दर्द भेल, या ओकरा जलन ज्यादा भेल, तऽ ई 5-6 गो समस्या भेल जे महिलाके भेल, या पाठेघर नीचा गिरे लागल जकरा प्रोलैप्स कहै छै अपनासब, तऽ ओ 6-7 गो समस्या छै महिलामे जे समस्या देखा पड़िके आबै छै,
कोनो भी अगर महिला के समस्या होती तो ओकर उपचार अहाँ के दवाई दुकान में या PHC में पॉसिबल नहीं छे, ओहि के लागि स्पेशलिस्टे चाही। के लागि कोनो भी रोग जे आ रहल छै तो ओहिमे सबसे डेंजर बात ही होइ छै कि अभी कोनो भी समस्या आ रहल छै तो कोनो भी समस्या के में भयंकर रूप हो सकै छै, कैंसर हो सकै छै आदमी के, रगत फोर पानी जा रहल छै, खून मिक्स होके जा रहल छै, तो कैंसर के शुरुआतियो लक्षण हो सकै छै। तै लए कहियो भी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेनाइ बहुत जरूरी छै। अहाँ अगर जा नहीं सकै छी तऽ आइ नहि जा सकै छी, काल्हि नहि जा सकै छी, लेकिन अहाँ सकदो सब बहुत जल्दी जहिया फुर्सत होइ समस्या आबै छै तऽ बहुत जल्दी स्पेशलिस्ट से मिलनाइ बहुत जरूरी छै महिला के केस में। अब ओना सभ्य सभ्य रोग में कहै छै कि कोनो दिक्कत भेल तऽ डॉक्टरे से दवाई देखा के देखाओ, डॉक्टरे से देखाओ, फिर अहाँ अथी करू। लेकिन आप करते में जना आपके ककरो सर्दी खांसी लागल छै तऽ ऑफकोर्स एक दू दिन अहाँ घर में बैठ के देख सकै छी, कोनो पैरासिटामोल उठा के देख सकै छी, गरम भाप ले सकै छी, तो ओ तऽ घरों के उपाय केलक, फिर दू तीन दिन के बाद हॉस्पिटल गेल। से चीज नहीं होइ छै महिला संबंधी रोग में, से नहीं होइ छै। जेकरा अगर ककरो फोहर पानी बह रहल छै, खून ज्यादा जा रहल छै, तो ओहिमे दू चारि दिन वेट करके कथु नहि होतै, कैलाकि ओकरा कुछ ने कुछ तऽ रोग छिपते छै भीतर, हो सकै छै कि ओ आओर बढ़िते बढ़िते जेतै। ताहि लागि महिला वाला में हॉस्पिटल जाना जरूरी होइ छै। एहिमे आब ग्राउंड पर काज करय वाला हेल्थ वर्कर सबके बारे में बात करी, जेना ओना तऽ आब प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी में सेहो MBBS डॉक्टर सब जा रहल छै, लेकिन बहुत बेसी नहीं, कनिके समय पर पहले जाए 5-7 साल पहले तक HA, AHEBA, ANAMI ई सब फ्रंट लाइन वर्कर छला सबसे जमीनी तौर पर, हिनकर सबके कम्युनिकेशन एखनो आबि कऽ या मान लियो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सब रहै छथि ग्राउंड में, हुनका सबके इहो उपचार के विधि सबके बारे में जानकारी करेनाइ जैसे समाज में ई बात जाए, ई कतेक आवश्यक देखै छियै? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछली। ई जे चीज छै लैप्रोस्कोपिक जे चीज छै से एकटा फैसिलिटी छै पेशेंट के लागि, एकटा तऽ सुलभ सजिलो तरीका छै ने ऑपरेशन कराबै के, तऽ ई एकटा ई जे ओकरा अहाँ दे रहल छियै, ई उपचार विधि जे दे रहल छियै जे मॉडर्नाइज हो गेल छै अभी, तऽ ओहि चीजसँ तऽ वञ्चिते भेलै ने एक हिसाबसँ देखबै तऽ पेशेंट तऽ वञ्चित भेलै। कैलाकि पेशेंटके मालूमे नहि छै कि दूरबीनसँ हमर निकलि गेल रहितै तऽ हमरा दू महीना तक बेडपर सुतल नहि रहितै टेबलके चीरा लगा के, तऽ ओकरा ओ तऽ वञ्चित हो रहल छै ने कोनो सेवासँ जे उपलब्ध छै नेपालमे जनकपुरमे उपलब्ध छै। ताहि लए ओकर जे बेसिक ओकर जे बेसिक ओ जे अधिकार ओ पा सकै छलै, कैलाकि उपचार विधि भेलासँ पा सकै छै, सरकारियोमे हो रहल छै तऽ ओ तऽ कतहु भी करवा सकै छै ऑफकोर्स, तऽ ओ तऽ नहि मिल रहल छै पेशेंटके, तऽ एहिसँ वञ्चित नहि हो ई अधिकार से एक प्रकार के अधिकारे कहियो जे मेडिकल लाइन के ट्रीटमेंट में जो ओकर अधिकार मिले वाला छलिए, तो से चीज से तो वंचित हो रहा है। तेला ई बुझनाय जरूरी छै, स्वयंसेवकों के सबके बुझनाय जरूरी छै कि दूरबीन से ई सब ऑपरेशन हो जा सके छै, कहिके बुझनाय जरूरी छै। अभी एकटा एहिमे एक प्रसंग जोड़ि दै छै, स्वयंसेविका के बात आयल तऽ एनाहिते हेल्थ कैम्प में हमसब गेल छलियै कुछ दिन पहिने, तऽ स्वयंसेविका हेल्थ कैम्प में गेल तऽ इहे बात सब ओहि लैप्रोस्कोपी के बात केलियो, मेयरो सब छलखिन ओहि नगर पालिका के, तो ओहि स्वयंसेविका सब बहुते 25-30 गो स्वयंसेविका सब सेहो ऐड खेलखिन, तऽ ओहि उहे दू तीन गो स्वयंसेविका हमरा की कहलक कि मेरो आमाके ऑपरेशन कराउनु पर्यो, अनि ऑपरेशन कराए अनि त्यो बड़का चीरा लगलै, फिर चीरा लगलाके बाद दू तीन महीना तऽ सुतबे कयलै, उठबे नहि कयलै, फिर बहुत दिक्कत भेलै, अभियो कुछो काम नहि करै छै, तऽ 60 सालके आदमी वृद्धा छलै, तऽ सर हमरा मालूम रहितै कि दूरबीन जे होइ छै तऽ दू गो तीन गो छेड़ा रहितै बस, अभी सब चीज करतै आरामसँ करतै, हमरो माइके कतेक आसान रहितै, तऽ हमरा मालूमे नहि छल, तऽ एना बहुते ओहिके मालूम नहि छै। ताहि लए ई चीजके सबतर कहनाइ जरूरी छै, एकर नॉलेज होनाइ बहुत जरूरी छै हमर विचार। एहिमे आब महिलासँ जुड़ल विभिन्न प्रसङ्ग आ बीमारी सबके बारेमे अहाँ बतेलियै, कनिक फरक की सब छै, एहिसँ आरो रोग सबके सेहो इलाज सब सम्भव छै, जेनाकि आब कैंसर भऽ सकैए या अन्य कोनो भी बीमारी सब भऽ सकै छै ई लैप्रोस्कोपी या फिर स्कोपी जे छै एहिसँ किछु भऽ सकै छै? दूरबीन से अभी एना छै, दूरबीन से अभी जते भी रोग छै शरीर के सबतर दूरबीन से ऑपरेशन कयल जा सकै छै। जेना कहलियै पहिने आर्थ्रोस्कोप हड्डीमे छै, तऽ जेना सिस्टोस्कोप ई सबतर दूरबीन से कयल जा सकै छै, आओर सभ्य रोगके दूरबीन से कयल जा सकै छै। बस डिपेंड करै छै, निर्भर करै छै डॉक्टरके एक्सपर्टीज पर, हुनकर पास कते ट्रेनिंग लेके आयल छथिन आओर सामान सब अवेलेबल छै कि नहि, ऑपरेशन करला सामान सब छै कि नहि। तऽ अभी संसारमे देखबै कि अभी लैप्रोस्कोपी से अब रोबोटिक सर्जरीमे चलि गेल छै, अहाँ सब सुनली होबै कि रोबोटिक से हो रहल छै, रोबोट कर रहल छै ऑपरेशन, तऽ ई रोबोटो लैप्रोस्कोपीके हल्का मॉडिफाइड फॉर्म छै, जाहिमे की होइ छै ओहिमे औजारे घुसाबैके छै, कैमरे घुसाबैके छै, ओ कैमरा सब की केलक रोबोट में जोड़ल रहल आओर ओ रोबोटके सब हाथके कंट्रोल रहल डॉक्टरके हाथमे, कुर्सीपर बैठके एना टीवीमे देखके
और हाथ अनाना चलेलक उहे रोबोट वे चलबित रह तो वही से रोबोटिक हो रहा एगो एडवांस फॉर्म ऑफ लैप्रोस्कोपी सर्जरी छे एक और विकसित फॉर्म छे रोबोटिक सर्जरी तो रोबोटिक से आ लैप्रोस्कोपी से कोनो भी प्रकार के ऑपरेशन कर जा सके छे तो अइ में और अहां जे पूछले के और रोग जना कैंसरो सब कर जा सके छे तो कैंसरो सब कर जा सके छे कैंसर के कोनो भी स्टेज छे या जेकरा ऑपरेट कर जा सके छे जेकरा निकाल जा सके छे तो कैंसरो से पॉसिबल छे और कैंसर से करते भी आ रहल छे जेना इंडिया में देखिए टाटा मेमोरियल कैंसर सब में तो बहुत ही ऑपरेशन सब कैंसर सब है दूरबीने के माध्यम से हो छे या रोबोट के माध्यम से हो छे नेपालों में देखिए तो अभी नेपालों में शुरुआती स्टेज में है तो वो बहुत जगह कैंसरो के ऑपरेशन सब दूरबीन से हो छे न तो एटलीस्ट नहीं कतौ अगर नहीं कर रहा है तो दूरबीन से तो कौन स्टेज में है कैंसर हालांकि सब चीज जाँच करके अल्ट्रासाउंड करके सीटी करके सब चीज नहीं देख सकते हैं पेट के कि वो कैंसर कतौ कतौ फैलल है या वो कैंसर के ऑपरेशन करके हम निकाल सके कि नहीं निकाल सके नहीं देख सकते एनाते महिला में यदि कैंसर सब भेल छै कोनो तऽ आ दूरबीन के सहायता से अगर वो बहुत फैलल स्टेज छै तो ऑपरेशन करके कैल जा सके कि नहीं देखेला या वो जे कोन स्टेज में छै कैंसर ओकरा कीमो चाही कि ओकरा सेकाई चाही कि दवाई लगाओ ओहो के लागे डायग्नोस्टिक हिसाब से कैमरा के यूज लैप्रोस्कोपी के यूज कर सके छै अइ में संपूर्ण बातचीत में दू तीन टा बात अब समझ में आबै छै उपचार प्रविधि के जे बात कहलियै दू टा फैक्टर सबसे आब जरूरी देखाबै छै एगो तऽ मशीन भऽ गेलै ने आ नंबर दू ओहि हिसाब के एक्सपर्ट मैन पावर सेहो चाही ओहन स्वास्थ्य कर्मी चाही तऽ हमरा अहाँ के देश में कही या प्रदेश में कही एखन जे हम अहाँ सामग्री जे यूज करै छी मेडिकल सामग्री मशीन जे छै ओ कतेक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब सँ छै आ ओ दक्ष जनशक्ति जे कहै छै ओ उत्पादन एते भऽ रहल छै या बाहर सँ हमरा अहाँ के पढ़ि कऽ आबऽ पड़ै छै की छै अवस्था लैप्रोस्कोपी करै के लागै छै जे दूरबीन से ऑपरेशन करे के लागे तो ओहिमे की छै दोसर चीज कर रहल छै जेना जनरल सर्जनो सब के लैप्रोस्कोपी के पार्ट छै तो उनकर सबके तऽ MD के कोर्स जब MD पढ़ाई होइ छै तो ओहिमे ट्रेनिंग मिलै छै उनकर सबके तो ओहि के हिसाब से उनके सब पिथैली के अपेंडिक्स के ऑपरेशन सब करिकुलम में रहै छै तो ओहि हिसाब से अपन सब केलखिन जे गायने में छै जे महिला संबंधी छै तो ओहिमे की करे पड़ै छै ओ MD के पढ़ाई से नहि पूरी छै ओहि के लागि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लिए पड़ै छै तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लागे आप नेपाल में ओहन ट्रेनिंग सिस्टम नहीं छै अभी वहाँ इंडिया जाके कतौ जाके कोनो बढ़िया संस्था में जाके फेलोशिप करके ट्रेनिंग करके सीख सके छी फिर सीखला के बाद फिर अहाँ आके यूज कर सके छी तो ओहिमे एकटा ई भेल जनशक्ति के बात भेल और जे सामान छै सामान तऽ नेपाल में जे कहले कि पीछा पड़ली छै सामानों के दृष्टिकोण से देखबै तो सामान सब ओते एडवांस सामान सब नहीं छै कलाकि ओते एडवांस सामान सब अभी तो शुरुआती स्टेज में छै तो सामानों सब वो बेसिक सामान सब छै लेकिन बेसिक के सामान से धीरे धीरे आगा और बढ़ते आई में अब अंत में खास तौर पर लैप्रोस्कोपी से जुड़ल जे हमर सबके दर्शक छथि हुनका सबके की अहाँ मैसेज देबे चाहै छी जैसे हुनकर सबके एहि के बारे में जानकारी बढ़े और किछ भ्रम सब जे यदि होय तो भ्रम डर दूर हो जाए लैप्रोस्कोपी से एकटा चीज कहे चाहै छी कि लैप्रोस्कोपी के फायदा सब हम फिर से गनाबे चाहै छी एकटा फायदा ई भए गेलै कि अहाँके छोट फूर भेलै तो पेट नहि चिरे पड़लै दोसर फायदा भेलै कि दर्द कम भेलै कैलाकि बड़का चिड़ा में दर्द होते और बहुत दिन तक दर्द होते कामो करे में दिक्कत होते एहिमे दर्द छोटे छोटा चिड़ा छै एक दिन के बाद अहाँ जा सकै छी काम उम कर सकै छी तेसर फायदा भेलै कि अहाँ अपन नियमित काम सब जल्दी कर सकै छी चौथा इन्फेक्शन के रेट चांस कम भऽ गेलै घाव छोटेला के कारण से खून जाय के चांसेस कम भऽ गेलै खून बगे के खून चढ़ाबे के चांसेस छै से कम भऽ गेलै छ गो चीज कम हो रहल छै और फायदा कथी हो रहल छै छओ चीज कम हो रहल छै और ऑपरेशन की हो रहल छै सेम हो रहल छै भीतर के तो उहे चीज काट के फेंके के छै बस लेकिन फायदा एते चीज हो रहल छै तो दूरबीन के लागी कलाने ऑपरेशन कराए जे खुला कराए हो सकै छै कि ओहिमे अहाँके दूरबीन में 10,000-20,000 ज्यादा पैसा लग सकै छै लेकिन ओहिमे फायदे फायदा छै घाटा कतौ नहि छै तऽ भ्रम भी नहि रहै के छै कि दूरबीन से हार्ड कैश बेसी लागै छै लेकिन ओहिके समानांतर बाकी खर्च जे छै ओहो बचि रहल छै तो बराबरे खर्च छै एक हिसाब से देखबै तऽ कहलाकि खुला में जेना जनकपुर के बात करबै तऽ खुला ऑपरेशन करै छै अहाँ तऽ 35,000-40,000 तऽ हॉस्पिटल में खर्च होइए जाइ छै प्लस अहाँके 7-8 दिन रहबै तऽ ओहिमे तऽ 20,000 तक खर्च होबे करतै ओहिमे अहाँके सपोज 50,000 खर्च हो रहल छै दूरबीन में दू तीन दिन के 10,000 खर्च होती तो 50-60 में तो दोनों ऑपरेशन हो रहा है काज छूट रहा है वो कष्ट हो गई तो सब चीज देखिए तो बहुत बढ़िया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी
और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो बहुत के मालूम ही नहीं छे, नहीं तो अहाँ देखबे तो काठमांडू में अभी 80% आदमी के खुला करा भी नहीं चाहिए। और इंडिया में एकटा एहन स्टेटो छे जे स्टेट में गवर्नमेंट के नियम छे कि पाठेघर संबंधी कोनो ऑपरेशन कराबे के छे तो ओकरा दूरबीने से कराबे के छे। अगर केओ खोल के कर रहल छे तो ओकरा जस्टिफाई करे पड़े छे कि एकरा हम खोल के कला कैले छी और ओ पठाए पड़े छे मिनिस्ट्री में कि हम एकरा खोल के ई दिक्कत भेल छे, एकरा हम कर नहीं सकलिए, ते लए एकरा हम अथी खोल के कैलिए, न तो वहाँ के पूरा लेटर बना के भेजे पड़े छे। तो ओहन सिस्टम छै। तो अभी तो महिला संबंधी जते भी रोग छै सबके लैप्रोस्कोपी करि सकै छी, सब सेफ छै, डराय के कोनो बात नहि छै। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ हमरा सब संगे बातचीत केनाइ के। धन्यवाद। तो रघुविंदर, आइ के अपन विशेष में हमरा सबके साथ में छलाह डॉक्टर वीरेंद्र भगत, हुनका संगे हम सब महिला से जुड़ल खास तौर पर आ लैप्रोस्कोपी एकटा उपचार के प्रविधि छै ओहि के बारे में आइ चर्चा केलहुँ आ जतेक जानकारी डॉक्टर साहब से मिल सकै छलैए आ विभिन्न भ्रम सब मिथ्या सब दूर करय के प्रयास केलहुँ, तो ई जानकारी प्रदान करय के सिलसिला जारी रहबे करतै, एकर निरंतरता हम सब देबे करब। एखन के लेल अपन विशेष के समयावधि हमरा सबके एतै समाप्त भऽ रहल अछि। हमसब फेर से अगला दिन अगला अतिथि के साथ उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से हम विदा मांगे चाहब। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।